सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली की टीम ने एक ऐसे शातिर व हाईटेक वाहन चोर को दबोचा है जो छोटी और सस्ती गाड़ियों की तरफ देखता ही नहीं था, केवल और केवल लग्जरी कारों को ही निशाना बनाता था। चोर लग्जरी गाड़ियों को निशाना बनाने से पहले इलाके की रैकी करता, फिर गाड़ी को टारगेट करने के बाद लॉक खोलने के लिए मास्टर चाबी और कार लॉक असेंबली का इस्तेमाल करता था। एक्सटर्नल ECM की मदद से चोरी के वाहन को स्टॉट कर फरार हो जाता था। पुलिस गाड़ी को ट्रेस न कर सके, इसके लिए जेम की मदद से चोरी की गाड़ियों का GPS भी जाम कर देता था। आरोपी की पहचान हरियाणा पलवल ओमैक्स सिटी निवासी 39 वर्षीय सत्येंद्र चौधरी के रूप में हुई है। आरोपी से 6 लग्जरी कार, 1 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 1 8 चैनल GPS जैमा, मास्टर की, ECM, कार लॉक असेंबली, रिमोट की और मैग्नेट बरामद हुआ है। दक्षिण दिल्ली में एक ऑटो लिफ्ट ने आंतक मचा रखा था। यह ऑटो लिफ्ट पॉश इलाकों में लग्जरी गाड़ियों को निशाना बना रहा था। साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP बेनिता मेरी जैकर ने दक्षिण जिले में ऑटो लिफ्टिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने और ऑटो लिफ्टर को जल्द से जल्द दबोचने का काम स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली को सौंपा। स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रभारी इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने टास्क को चुनौती के रूप में लेते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। ऑटो लिफ्टर की क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने साउथ डिस्ट्रिक्ट में हुई सभी ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को बारीकी से स्कैन किया। साउथ डिस्ट्रिक्ट में हुई सभी ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को बारीकी से समझने के बाद इंस्पेक्टर अतुल त्यागी को एक बात तो समझ आ गई थी कि ऑटो लिफ्टर केवल और केवल लग्जरी कारों को चुराता है। ऑटो लिफ्टर की मोडस ऑपरेंडी समझ में आते ही इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने स्पेशल स्टाफ की कई टीमें बनाई और सादी वर्दी में साउथ डिस्ट्रिक्ट के सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी। ASI मनोज को मुखबिरों से इनपुट मिला कि पलवल हरियाणा का रहने वाले एक ऑटो लिफ्टर को आजकल शाहपुर जाट गाँव में आते जाते देखा गया है। संदिग्ध ऑटो लिफ्टर के बारे में और जानकारी जुटाने के मकसद से ASI मनोज ने सादी वर्दी में शाहपुर जाट गाँव के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंटों पर नजर रखनी शुरू कर दी। ASI मनोज को शाहपुर जाट गांव के आसपास रात में चौकीदारी करने वाले चौकीदारों से पता चला कि कोई आदमी पिछले काफी समय से तिकोना पार्क के पास नई नई लग्जरी गाड़ी पार्क करता है, फिर एक दो दिन बाद लेकर चला जाता है। ASI मनोज ने तुरंत तिकोना पार्क के आसपास लगे CCTV कैमरों की पिछले कई महीनों की फुटेजों को खंगाला तो बड़ी सफलता हाथ लगी। CCTV फुटेज में हरियाणा निवासी एक हैबिचुअली ऑटो लिफ्टर तिकोना पार्क के पास लग्जरी कार पार्क करता व पार्क कार को कुछ दिन बाद ले जाता दिखाई दिया। ASI मनोज ने तुरंत यह जानकारी इंस्पेक्टर अतुल त्यागी को दी। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी को समझते देर नहीं लगी कि ऑटो लिफ्टर इलाके से गाड़ी चोरी करने के बाद गाड़ी को तिकोना पार्क के पास बाकी खड़ी गाड़ियों के बीच पार्क करके चला जाता होगा और मौका देखकर चोरी की गाड़ी को यहां से फिर अपने ठिकाने लेकर चला जाता होगा। इन्फॉर्मेशन कन्फर्म होते ही ऑटो लिफ्टर को दबोचने के लिए राजेश बामनिया ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अतुल त्यागी स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में ASI महिपाल, धर्मेंद्र, ASI मनोज कुमार, जुगनू त्यागी, जोगिंदर, हेड कांस्टेबल अनूप मीणा, राकेश, पंकज, पुष्पेंद्र व कांस्टेबल लक्ष्मी का गठन किया। टीम ने जांच में पाया कि शाहपुर जाट गांव के पास तिकोना पार्क के चारों तरफ आसपास के रहने वाले लोग अपनी अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। तिकोना पार्क के पास जिसको जहां जगह मिलती है वो वहां अपनी कार पार्क कर देता है। पार्किंग के लिए कोई गार्ड भी नहीं है, इसका फायदा ऑटो लिफ्टर ने उठाना शुरू कर दिया। ऑटो लिफ्टर इलाके से गाड़ी चोरी करने के बाद यहां पार्क कर देता था और मौका मिलते ही यहां से निकालकर अपने ठिकाने ले जाता था। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी को पूरा शक था कि ऑटो लिफ्टर शाहपुर जाट गांव के पास तिकोना पार्क पर चोरी की गाड़ी को पार्क करना सुरक्षित समझता है। अगर वो कहीं से भी गाड़ी चोरी करेगा तो यहां पार्क करने जरूर आएगा। टीम ने सादी वर्दी में तिकोना पार्क के आसपास नजर रखनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी का शक सही निकला। कई दिनों की कड़ी निगरानी के बाद दिनांक 6 अगस्त की सुबह करीब 8:35 के आसपास शाहपुर जाट गांव तिकोना पार्क की ओर से बिना नंबर प्लेट वाली एक कार आती दिखाई दी। पहले से तैनात टीम ने कार चालक को रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर कार चालक कार से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने उसे कसकर पकड़ लिया। अपने आप को चारों तरफ से घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर देसी पिस्टल तान दी, किंतु सतर्क पुलिस टीम ने उसे पिस्टल चलाने का मौका नहीं दिया और छटपटा मारकर उसके हाथ से देसी पिस्टल छीन ली। आरोपी की सरसरी तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से एक जिंदा कारतूस और देसी पिस्तौल के बैरल के अंदर से भी 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी के पास बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी के दस्तावेज भी नहीं थे। टीम ने गाड़ी के इंजन और चेजिस नंबर की जांच की तो पता चला कि दिनांक 27 मई 2022 को पंजाब के थाना ढकोली इलाके से आरोपी ने यह कार चोरी की थी।
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से बरामद कार की डिगी में से ऑटोलिफ्टिंग में इस्तेमाल औजारों से भरा एक बैग मिला। बैग में GPS जैमर, एक ECM, कार लॉक असेंबली, एक रिमोट चाबी, एक चुंबक और एक मास्टर चाबी बरामद की गई। आरोपी से बरामद ऑटोलिफ्टिंग का सामान और चोरी की कार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना हौस खास में दिनांक 6 अगस्त 2022 को FIR संख्या 318/2022 धारा 411 व 25 अम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने दिल्ली से 5 लग्जरी कारें और चोरी करने की बात कबूल की। आरोपी की निशानदेही पर इंदौर, मध्य प्रदेश से 4 व PVR वसंत विहार इलाके के पास एक चोरी की कार बरामद की गई। आरोपी की गिरफ्तारी से थाना ढकोली पंजाब, मंडावली, जामिया नगर, शकरपुर, शाहीन बाग, पश्चिम विहार इलाकों से कार चोरी के 6 मामले सुलझ गए हैं। आरोपी की पहचान हरियाणा पलवल ओमैक्स सिटी निवासी 39 वर्षीय सत्येंद्र चौधरी के रूप में हुई। आरोपी की लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ पहले से ही थाना सरोजनी नगर, मधु विहार व विकासपुरी में 5 मामले दर्ज है। आरोपी सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और पलवल में क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को खींचने की उसकी अपनी वर्कशॉप थी, लेकिन उसे अपने धंधे में काफी नुकसान हुआ जिससे उसे अपना काम बंद करना पड़ा, किंतु अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वह नूह मेवात के एक सक्रिय ऑटो लिफ्टर के संपर्क में आया था। ऑटो लिफ्टर ने जल्दी और मोटा पैसा कमाने के लिए उसे लग्जरी कारें चोरी करने के लिए मना लिया था। इसके बाद से आरोपी कभी मेवात के ऑटो लिफ्टर के साथ तो कभी अकेले कारें चोरी करने लगा। आरोपी ने बताया कि वो दिल्ली से कारों को चोरी करके इंदौर और अरुणाचल प्रदेश में बेचता था। पकड़े जाने पर वो बचने के लिए हथियार लेकर चलता था। आरोपी सत्येंद्र चौधरी ने पूछताछ में आगे बताया कि कार चोरी करने से पहले टारगेट इलाके की रेकी करता था। आरोपी महंगी लग्जरी कार को निशाना बनाता था। टारगेट कारों को खोलने के लिए मास्टर चाबी, कार लॉक असेंबली का इस्तेमाल करता था। पुलिस चोरी की गाड़ी की लोकेशन ट्रेस न कर सके इसके लिए वो जैमर की मदद से चोरी की गाड़ियों का GPS जाम कर देता था और एक्सटर्नल ECM की मदद से चोरी के वाहन को स्टॉट कर शाहपुर जाट गांव के पास तिकोना पार्क पर पार्क कर देता था और मौका मिलते ही अपने ठिकाने पर लेकर चला जाता था। आगे की जाँच जारी है। अच्छे कार्य करने वाली स्पेशल स्टाफ दक्षिणी दिल्ली की टीम को DCP दक्षिणी दिल्ली की तरफ से उचित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।